सुबह की चाय पीते हुए हमेशा यही मन में रहता है कि आज नाश्ते में क्या बना करके तैयार करें। तो इस बार दिवाली पे मैंने लक्ष्मी पूजा के लिए थोड़े मुरमुरे ज्यादा मंगा के रख दिए थे, तो सोचा इसी का इस्तेमाल करके आज कोई ऐसा नाश्ता बनाए जो कि झटपट भी बन के तैयार हो जाए, पौष्टिक रहे और टिफिन के लिए भी एकदम परफेक्ट रहे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में 2 कप मुरमुरे ले लिए है। मैंने यहाँ पर चावल के मुरमुरे लिए हैं, यदि आपके पास खील मुरमुरे हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा। पर खील मुरमुरे के ऊपर जो कचरा होता है उसको आपको पूरा निकाल लेना है, उसके बाद में इस्तेमाल करना है। अभी यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर पानी लिया है और जो मुरमुरा हमने लिया है वो इसमें डाल देते हैं। तो आप सब भी जानते हैं मुरमुरे को मिट्टी के अंदर भून करके बनाया जाता है, तो इसके ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी रह जाती है। तो आप कभी भी थोड़ा सा मुरमुरे को इस तरह से धो लें या छलनी से अच्छे से छान लें, जिससे इसके ऊपर मिट्टी उगती है वो निकल जाती है। ध्यान रखें इसे हमें पानी में नहीं भिगाना है, खाली अच्छे से एक बार धो लेना है। धो करके इसे हम निकाल लेंगे, हल्का सा निचोड़ लेंगे और इसे निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने पूरे मुरमुरे को पानी में से निकाल दिया है। अभी आप देख पा रहे हैं पानी हमारे कितना गंदा हो गया, देखिए काफी धुंधला पानी हो गया। अभी इस पानी को हम पेड़ों में डाल देंगे। अभी यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में 1/2 कप जितना दही डाल देते हैं। इस रेसिपी के लिए हमारे को दही फ्रेश ही लेना है। दही को एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस तरह से करने से क्या दही के अंदर जो लम्स वगैरह होते हैं वो टूट जाते हैं, दही हमारा अच्छा स्मूथ हो जाता है। यदि आप दही नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पे 2 टमाटर का पेस्ट भी ले सकते हैं। अभी इसमें 1/2 कप जितना पानी डाल देते हैं। ये दही वाले बाउल में ही मैंने पानी ले लिया है और पानी डाल कर इसे मिक्स कर लेते हैं। हमेशा की तरह आज की रेसिपी में भी हमारी सामग्री एकदम बेसिक रहेगी। दही को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी साइड में जो मुरमुरे मैंने पानी से धोके रखे थे इन मुरमुरों को दही की छाछ में डाल देते हैं। इस तरह से छाछ में डालने से इसमें हल्का सा खट्टापन भी आ जाएगा और इसी के साथ में मुरमुरे थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे और नाश्ते में भी अच्छी सॉफ्टनेस आएगी। अभी इसे 5 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे। तब तक यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें 5-7 कलियां लहसुन के डाल देते हैं। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी रफली काट के इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक फीकी वाली हरी मिर्ची ली है। यदि आप तीखी वाली लेते हैं तो 2 मिर्ची ले सकते हैं। ये फीकी वाली मिर्ची थोड़ी बड़ी होती है इसीलिए मैंने 1 ली। अभी ढक्कन लगा करके इसे हम दरदरा पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से मैंने इसको दरदरा पीस लिया है। ज़्यादा माइन पेस्ट नहीं बनाना है इसका। अभी साइड में इसे रखे हुए लगभग 5 मिनट हो गया है और 5 मिनट में काफ़ी ये सॉफ्ट हो गए हैं। इसको आपको पीसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोरा भी खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गए, दबाएंगे तो सॉफ्ट ही दब रहे। मैं मेरे घर में कभी कभी इस तरह से मुरमुरे का रायता भी बनाती हूँ। यदि आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अभी यहाँ पर मैंने 1 प्याज लिया है जिसको आधा डालेंगे, पूरा प्याज नहीं डालना है, आधे को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 टमाटर लिया है, टमाटर भी हमें आधा ही डालना है, आधे को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और 1 छोटी साइज की गाजर ली है, इसको भी हम आधा डालेंगे आधा बचा लेंगे। गाजर को मैंने कद्दूकस करके लिया है। सब्जी आप महीन महीन काट के लें, गाजर भी आप चाहे तो महीन महीन काट के ले सकते हैं। और 1 शिमला मिर्ची ली है, ये छोटी साइज की शिमला मिर्ची ली, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, आधे को हम बचा लेंगे। और थोड़ा मैंने हरा धनिया लिया है, ये भी 1 टेबल स्पून जितना इसमें डाल देते हैं। अभी इसमें 1/2 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और जो अदरक लहसुन मिर्ची को मैंने पीसा है वो पूरा इसमें डाल देना है। यदि आपके बच्चे हरी मिर्ची वगैरह नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पर आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। एक बार सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सभी सब्जियाँ अलग अलग काटी है। आपके घर में चॉपर हो तो चॉपर में भी सभी सब्जियाँ एक साथ में डाल करके आप उसे महीन महीन काट लें, उसका भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो काम आपके फटाफट हो जाएगा। अभी अच्छी बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप जितना बेसन लिया है, ये बेसन इसमें डाल देते हैं। बेसन तो सबके घर में आराम से मिल जाता है इसलिए मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। एक बार बेसन को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने 1/2 कप जितना पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बच्चों के लिए यदि आपको सुबह सुबह टिफिन बनाना हो तो ये नाश्ता आपका 5 से 7 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। ज़्यादा समय नहीं लगता है और जल्दी बन जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्दी बन के तैयार होता है। और इसको भिगा के रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमारे को सीधा नाश्ता बनाना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमें गाढ़ापन रखना, ज़्यादा पतला नहीं रखना। और इतना बनाने में मेरे लगभग 1/4 कप जितना पानी लगा है। 1/2 कप पानी मैंने पहले डाला था और 1/2 कप ही दही डाला था, उसके बाद में मैंने 1/4 कप जितना पानी और डाला है। अभी नाश्ता हमारा अच्छा सॉफ्ट बन के तैयार हो, इसमें 2 पिंच जितना हम मीठा सोडा डाल देते हैं। 2 पिंच जितना ही डालना, देखिए इतना थोड़ा सा लेकर के 2 पिंच जितना सिर्फ। यदि आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम थोड़ा सा घिया तेल लगा लें और थोड़ा सा इसके अंदर तिल डाल देते हैं। ये मैं ब्लैक तिल डाल रही हूँ, आप चाहे तो व्हाइट तिल भी डाल सकते हैं। आँच को इस समय हमें स्लो और मीडियम के बीच में कर लेना है। तिल के अंदर कैल्शियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है, तो तिल आपके पास हो तो आप जरूर डालें। अभी 2 कड़छी जितना इसमें डाल देते हैं। ये रेसिपी आपको कैसे लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर आप अपना रेस्पॉन्स जरूर दिया करें, जिससे मुझे मालूम पड़ता रहे कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है या पसंद नहीं आ रही है। अभी जो मैंने सब्जियां थोड़ी थोड़ी बचा के रखी थी, थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। इस चीज का ध्यान रखे, ऊपर से थोड़ा गीला है उसी समय सब्जियां डालनी है, ये सब्जियां आराम से चिपक जाएगी। और भी आपके पास सब्जियां हो तो वो भी डाल सकते हैं, और सब्जी आप अपने बच्चों के पसंद के हिसाब से कम ज्यादा भी डाल सकते हैं। आपने देखा मैंने इसमें हल्दी, लाल मिर्च कुछ भी ऐड नहीं किया, बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ बना रही हूँ, जिससे बच्चे भी आराम से खा सकते हैं। आप चाहो तो इसमें मैगी मसाला या आपके बच्चों को ओरेगानो पसंद हो तो वो भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अभी इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं, जिससे कि ये अच्छे से पक जाएगा। तब तक साइड में मैंने तवे को भी गर्म कर लिया है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा घी या तेल लगा देते हैं। तवे पे भी आप देखेंगे बहुत आसानी से बन जाता है। जरूरी नहीं आपके पास पैन नहीं हो तो आप बना नहीं सकते हैं, ये नाश्ता इजीली बना सकते हैं। भी थोड़ा सा यहाँ पर हम तिल लगा देते हैं, ये थोड़ा थोड़ा तिल हमें डाल देना है। नाश्ता आपको कितना बनाना है उस हिसाब से आप तिल डाल दें। मैं यहाँ पर 4 पीस बनाऊंगी। तवा आपका छोटा है तो आप कम पीस बना सकते हैं, तवा बड़ा है तो ज़्यादा बना सकते हैं। एक एक कड़छी इसके ऊपर डाल देंगे, ज़्यादा आपको फैलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका गोल एकदम परफेक्ट बना हुआ है, ये इजीली गोल बन जाते हैं। अभी इसके ऊपर भी हम थोड़ी थोड़ी सब्जियां लगा देते हैं, तो सब्जियां हमें थोड़ी थोड़ी लगानी है। बच्चों को यह नाश्ता बहुत ही पसंद आता है, मैं कभी कभी इसके ऊपर चीज़ लगा के भी बनाती हूँ, चीज़ वाला भी बहुत पसंद करते हैं बच्चे। और सब्जियां यदि बच्चे ऐसे खाना पसंद नहीं करता तो सभी सब्जियों को आप इस गोल में ही डाल दें, इस तरह से डालते हैं थोड़ा उसका लुक अच्छा आता है। आप देख पाए सब्जियां मैं बहुत थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ, पर इसका लुक बहुत ही अच्छा हो रहा है, और इसी बहाने बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं। आप पिज्जा वगैरह मार्केट से लेके आते हैं तो उसके ऊपर इस तरह सब्जियां लगी हुई होती है, बच्चे आराम से खा लेते हैं, तो इसमें भी सब्जी आराम से खा लेंगे और सुबह सुबह बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये फटाफट बन जाता है। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा तिल भी डाल सकते हैं, ये दिखने में अच्छा लगता है, और तिल में क्या कैल्शियम होता है, तो इसी बहाने बच्चों के पेट में कैल्शियम भी चला जाता है। अभी इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं, तो आपने देखा कितना फटाफट बन गए हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जल्दी बन जाएंगे। अभी साइड में इसे पकाते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं, इसको खोल करके देख लेते हैं, तो आप देख पा रहे ऊपर से सूखा दिखने लग गया है और काफ़ी फूल भी गया है, और सब्जियों की खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी आ रही है। यदि आपके बच्चों को पिज्जा वगैरह खाना पसंद है तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इसके ऊपर आप घी या तेल लगा सकते हैं, हल्का हल्का इस तरह से लगा दें चारों तरफ। अभी इसको हम पलट देते हैं। इस चीज का ध्यान रखें, आँच को हमें तेज नहीं रखना है, स्लो और मीडियम के बीच में रखना है। लुक आप देख पा रहे कितना सुंदर आया, ये मैंने स्लो और मीडियम आँच में पकाया, तेज आँच में पकाएंगे तो जल जाएगा। अभी आपको ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है। अभी साइड में तवे वालों को पकते हुए भी लगभग 2 मिनट हो गए हैं, इसे खोल करके देख लेते हैं, तो आप देख पा रहे हैं 2 मिनट में ये काफ़ी साइड से सूखे लगने लग गए हैं। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, और इसको पलट देते हैं, तो बहुत ही फूले फूले बन के तैयार हो। पलट करके हल्का सा दबा देंगे, ये सब्जियाँ क्या अच्छे से चिपक जाती है, और कलर आप देख पा रहे कितना सुंदर आया, इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है, बच्चे तो आपसे बार बार बनवा करके खाएंगे। साइड में आप देख पा रहे हैं इसको भी मैंने उलट पलट के लाइट गोल्डन कलर आने तक सेक लिया है। अभी इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं, तो कलर आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर आया है। तो इस तरह से दिवाली पर जो मुरमुरे हमारे बच गए थे उसका भी इस्तेमाल हो गया, और ये हमारा बिल्कुल नया पौष्टिक सब्जियों से भरपूर ग्लूटेन फ्री नाश्ता बन गया है। हमने इसमें मुरमुरा बिना पीसे डाला है, फिर भी ये नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। इसी के साथ खाकर कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये मुरमुरे से बनाया। तो घर में बहुत बार ऐसे दिवाली पे अगर मुरमुरे बच जाते हैं तो उसका आप ये बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस नाश्ते को केचप के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहो तो धनिया की चटनी के साथ, मेयोनीज के साथ, किसी के साथ भी खाएंगे तो खाने में स्वादिष्ट लगेगा। तो आप भी अपने घर में इसे जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।